फ्रेंड्स, यदि आप सऊदी में हैं तो सऊदी से नई फ्लाइटों के ऊपर जानकारी सामने आ रही है, जो कि हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस जानकारी को सऊदी की एम्बेसी ने जारी की है, जो कि आज उसने ट्वीट करके बताया है। तो फ्रेंड्स, आप ये सऊदी की एम्बेसी का नया ट्वीट देख सकते हैं। हालांकि इस ट्वीट में जो फ्लाइटों की जानकारी दी गई है, ये जानकारी पहले ही हमने अपने चैनल पर आपको बता दिया था कि सऊदी से नई फ्लाइटों की लिस्ट वंदे भारत मिशन 6 के अंतर्गत आ गई है। लेकिन अब सऊदी की एम्बेसी भी इसकी जानकारी दे रही है, यानी कि अब ये पूरे तरीके से तय है कि ये उड़ानें सऊदी के जेदा, दमाम और रियाद से चलने वाली है। यहाँ पर जो फ्लाइटों की लिस्ट है वह केवल 14 सितंबर तक की दिखाई जा रही है, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है उसमें सऊदी के 29 सितंबर से भारत में आने वाले सभी फ्लाइटों की पूरी जानकारी है। यदि आप 29 सितंबर तक की फ्लाइटों की सभी जानकारी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सऊदी के अलावा दुनिया के सभी देशों से चलने वाली फ्लाइटों की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो कि वंदे भारत मिशन 6 के अंतर्गत रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं सऊदी से इन फ्लाइटों की बुकिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको केवल एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यदि आपने सऊदी की एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप इन फ्लाइटों की बुकिंग सीधा एयरलाइंस की वेबसाइट से कर सकते हैं और टिकट लेने के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, आपका कुछ सवाल या कोई डाउट है तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने की। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करके दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें।